हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इमोशनल रेस्पॉन्स टू इलनेस। फंडामेंटल टॉपिक मतलब इलनेस का क्या रेस्पॉन्स होता है इमोशनल पर। ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं इलनेस पे। ठीक है, मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरह से इलनेस पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब ये एक तरह से फीलिंग लाते हैं पर्सन में। ठीक है, मतलब मोटिवेटेड होने की फीलिंग्स लाते हैं और इमोशन एक मतलब एक पर्सन कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, कैसे एक्सपीरियंस करता है, ये उसके बेसिक पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके परसेप्शन सिचुएशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, और उसके अलावा उसको कैसा सपोर्ट मिल रहा है उस पे डिपेंड होता है कि वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और मतलब जो इमोशनल रेस्पॉन्स होता है इलनेस के लिए, वो एक नर्स होती है वो अच्छे से उसको समझ सकती है कि पेशेंट का क्या रिएक्शन होता है, किस समय क्या रिएक्शन होगा, किस समय कैसा इमोशनल रिस्पॉन्स होगा पेशेंट का, फैमिली का, उसके। ठीक है, तो उसके जो उसके फीलिंग्स के की जो एक्सप्रेशन करने का जो तरीका है, वो एक नर्स को अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं इलनेस के लिए, तो वो ये होते हैं। पहला होता है फियर, दूसरा ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, थर्ड है एंग्जाइटी, फोर होप, एंड फिफ्थ एंगर एंड हॉस्टिलिटी। तो फर्स्ट फियर देखते हैं कि फियर कैसे इलनेस को रेस्पॉन्स करता है। कि फियर एंड एन इमोशनल रेस्पॉन्स कैरेक्टराइज बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ हार्म एंड अनप्लीजेंट है। मतलब इलनेस होगी तो एक पर्सन को, मतलब किसी को भी इलनेस होती है तो उसको कुछ ऐसे डर होता है उसके मन में कि मुझे क्या हार्म हो रहा है, मतलब जो भी उसको नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान होने के लिए, या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसको, अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाती है जब पेशेंट इल होता है उस समय, तो उसके लिए, तो उस सिचुएशन के लिए उसको उसके मन में डर का रेस्पॉन्स आता है। ठीक है, और उस डर के अगेंस्ट में बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है, तो कैसे रिएक्ट करती है बॉडी, अवॉइड करेगी उस सिचुएशन को। ठीक है, तो मतलब अवॉइड करेगा या फिर विदड्रॉ करेगा, मतलब जो भी सिचुएशन आ रही है इमोशन, वो जो इलनेस की जो सिचुएशन आ रही है उसके डर के कारण पेशेंट होता है जो उसको इलनेस को अवॉइड करता है। ठीक है, उस सिचुएशन को अवॉइड करता है। ठीक है, थर्ड है ओवर डिपेंडेंस। तो ओवर डिपेंडेंस थर्ड सेकेंड होता है ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब जो जब पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलनेस, जब पीरियड जो इलनेस का पीरियड है उस टाइम पे जो पर्सन है वो डिपेंडेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको लगता है मैं डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, और उसको फीलिंग आती है वो कि वो हेल्पलेसनेस है। ठीक है, हेल्पलेसनेस की उसको फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट होते हैं ना, वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं अपन, तो वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेसनेस महसूस करने लग जाता है। थर्ड है एंग्जाइटी। इलनेस रिजल्ट इन एंग्जाइटी एंड इन एंग्जियस पेशेंट इनसाइट इज लैकिंग। मतलब क्या होता है, इलनेस की वजह से पेशेंट में एंग्जाइटी डेवलप होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट एंग्जियस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी इनसाइट जो होती है, उसकी सोचने समझने की जो भी शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एंग्जियस हो गया अपनी डिजीज़ के लिए, और उस एंग्जाइटी के कारण और भी उसमें कंडीशन हो जाती है, जैसे कि इंसोमनिया, ठीक है, उसको नींद नहीं आएगी एंग्जाइटी की वजह से, डायरिया हो सकता है।
ठीक है, बीपी हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है या फिर बीपी लो भी हो सकता है कई बार, ठीक है, फैटिक, उसको थकान होगी या फिर इनएडिक्वेट कोपिंग विद डिजीज कंडीशन, मतलब वो उस डिजीज कंडीशन के साथ में कोप नहीं कर पाएगा, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उस डिजीज कंडीशन को, ठीक है। और जो नर्स होती है वो अच्छे से उसको नॉलेज होता है, नर्स को नॉलेज होता है पेशेंट की एंजाइटी के बारे में, मतलब किस लेवल तक की एंजाइटी है और उसका कैसे मैनेजमेंट करना है वो एक नर्स को पता होता है। फोर्थ है होप। मोस्टली पीपल होप फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट ए लॉन्ग एंड हेल्थ लाइफ, मतलब पेशेंट को, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनको ये होप होता है कि उनकी अच्छी लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, ठीक है। तो फिजिकल एंड इमोशनल इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब एंड इवन डेथ में अगर प्रॉपर गिव अप द विल, तो इसमें क्या होता है कि जो इमोशनल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है इलनेस में, ठीक है, तो उसकी वजह से और कई बार डेथ की वजह से भी, तो उस समय उसको ये लगता है, मतलब उसकी जो होप होती है वो कम हो जाती है। मतलब पर्सन जब उसको, जब पर्सन को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ या फिर मेरी डेथ होने वाली है, तो वो उसकी होप चली जाती है, ठीक है, तो होपलेसनेस हो जाता है वो। तो उस कंडीशन में क्या होती है, एक नर्स उसको एनकरेज करती है, उसकी होप को बढ़ाती है, ठीक है, और मतलब उसको कंटिन्यू स्ट्रगल जो होता है उसका डिजीज़ के प्रति, उसको बनाए रखने में एक नर्स उसकी बहुत हेल्प करती है। फिफ्थ है एंगर एंड होस्टिलिटी। एंगर इज एन इमोशनल कैरेक्टराइज्ड बाय एसोसिएटेड विद द फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रगल विद एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। मतलब एंगर, मतलब क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल बात है कि जब एक पर्सन जब बीमार होता है तो उसको अपने जो अब जो भी फिजिकली उसकी जो डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए उसको गुस्सा आता है, ठीक है, जो मतलब उसकी, उसको एक तो अच्छा नहीं लगता, एक तो उसके लिए अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है वो, ठीक है, और ऊपर से मतलब उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी गड़बड़ा जाती है, तो उसके कारण उसको गुस्सा आता है, ठीक है, तो उस गुस्से के कारण जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है उसमें, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, ठीक है, और वो स्ट्रगल करता है उसकी, वो जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है उसके साथ में वो स्ट्रगल करता है। और ये कॉमनली कब होता है, जब मतलब पेशेंट चाहता है कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मतलब वह अच्छी हेल्थ को चाहता है, लेकिन उसमें अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज आ जाता है या फिर मतलब वो उस अपनी टारगेट हेल्थ को अचीव नहीं कर पाता है, तो उस वजह से उसको एंगर होता है उसमें, ठीक है, एंगर डेवलप होता है, ठीक है, और मतलब उसकी सेल्फ इस्टीम भी डाउन हो जाती है, ठीक है। और होस्टिलिटी का क्या मतलब है, होस्टिलिटी इज एन अनफ्रेंडलीनेस दैट एसोसिएटेड विद एन डिजायर्ड फॉर एग्रेशन, सार्कास्म, अब्यूसिव रिमार्क दैट एक्सप्रेशन द होस्टिलिटी। मतलब हॉस्टिलिटी क्या मतलब है कि वो इलनेस के कारण अनफ्रेंडलीनेस महसूस करता है, मतलब उसको लगता है उसका, उसके आसपास कोई नहीं हो, ठीक है, तो अनफ्रेंडलीनेस महसूस करता है, ठीक है, तो जिसके कारण उसमें एग्रेशन होता है, ठीक है, तो एग्रेशन होगा अनफ्रेंडलीनेस के कारण, ये सब जो होते हैं वो इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एक नर्स होती है उसको कंप्लीट नॉलेज होती है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है, उसके क्या इमोशन आ रहे हैं और वो कैसे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे, कैसे उसमें एडजस्ट करे, क्लाइंट कैसे अडेप्ट कर सकता है उस सिचुएशन को और नर्स उसमें उसकी क्या हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। तो डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, मतलब हमारी इलनेस पे बहुत तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो उस वो हम देखते हैं, मतलब एक इलनेस होता है वो कैसे एक पर्सन पे या फिर उसकी फैमिली पे कैसे इम्पैक्ट डालती है, कैसे इफ़ेक्ट करती है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट्स एंड फैमिली, ठीक है, तो ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंज,
तो सबसे पहले जो ये था हमारा इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट, तो इम्पैक्ट ऑफ इलनेस मतलब जो इलनेस का इम्पैक्ट है वो क्लाइंट पे कैसे पड़ता है, जैसे कि वो जो पेशेंट है वो डिसकंफर्ट फील करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो भी उसकी एबिलिटीज़ है मतलब जो रेस्ट है स्लीप है जो भी मतलब उसकी एक्टिविटीज़ है उसमें एक तो डिसकंफर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस वजह से उसके उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और रेस्ट और स्लीप में इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्योंकि जब पेशेंट जब स्लीप में होता है या पर्सन स्लीप में होता है तो क्या होता है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू रिपेयर होते हैं, जो इलनेस होती है, जो रिदम होती है नॉर्मल स्लीप की वॉक या फिर नॉर्मल स्लीप या उठना जो भी होता है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब पेशेंट इल होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट एंड फैमिली। तो जो इलनेस होती है वो सिर्फ यूँ नहीं है कि क्लाइंट पे ही जो इफ़ेक्ट डालती है, वो क्लाइंट और फैमिली दोनों पे इफ़ेक्ट डालती है, तो दोनों में ही दोनों के बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे मतलब एक क्लाइंट और फैमिली कैसे एक इलनेस से एक्सपीरियंस होके कैसे उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले होता है बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेस। तो इंडिविजुअल रिएक्ट टुवर्ड इलनेस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड नेचर ऑफ इलनेस एंड रिएक्शन ऑफ अदर टू इट, ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो रिएक्शन होता है, जो भी क्लाइंट का रिएक्शन होता है बीमारी के प्रति इलनेस के प्रति, वो उसके एटीट्यूड या फिर नेचर ऑफ इलनेस, इलनेस कैसी है, या फिर रिएक्शन ऑफ अदर टू इट, या फिर दूसरों का रिएक्शन कैसा आ रहा है उस पर, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इलनेस कॉज फ्यू बिहेवियर चेंज, मतलब जो शॉर्ट टर्म इलनेस होती है कुछ टाइम के लिए जो इलनेस होती है वो थोड़े बहुत बिहेवियरल चेंजेस करती है, कुछ थोड़े बहुत फंक्शनल बिहेवियर चेंजेस करती हैं क्लाइंट्स में और उसकी फैमिली में, ठीक है। और जो जैसे क्रोनिक इलनेस है, ठीक है, कोई मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है या फिर सीवियर इलनेस है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस लाती है, जैसे कि एंजाइटी शोक होगा या फिर डिनाइल होगा, मतलब इनकार करेगा पेशेंट, या फिर एंगर विड्रोल, तो ये सब चेंजेस पेशेंट और फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिजीज़ होती है उसके लिए मतलब कोई भी अगर मतलब पेशेंट को पता चलता है उसको कोई सीवियर डिजीज़ है, तो उसके लिए या पेशेंट और उसकी फैमिली सबसे पहले तो एंग्जाइटी हो जाएगी उनको, ठीक है, उनको शोक लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है वो इनकार कर दें, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको गुस्सा है या फिर वो इनकार कर दें, ठीक है, वो सिचुएशन से दूर हटने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो एक नर्स होती है वो इसके लिए क्या इंटरवेंट कर सकती है कि वो जो पेशेंट एंड फैमिली है उसको उनको मतलब समझाए कि वो उस सिचुएशन के साथ में कैसे कोप करें। सेकंड है इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल। ड्यूरिंग इलनेस रोल ऑफ क्लाइंट एंड द फैमिली मेंबर गेट डिस्टर्ब मे बी फॉर शॉर्टर और लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो इलनेस की वजह से क्या होता है कि पेशेंट पे और उसके फैमिली मेंबर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है। तो वो पेशेंट या फिर उसकी फैमिली जो होती है वो जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं उनके लिए तो इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इलनेस है उनको वो थोड़ा एडजस्ट करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा उसको लेट एडजस्ट कर पाते हैं। सेकेंड थर्ड है इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। मतलब क्या होता है कि द रिएक्शन ऑफ द क्लाइंट फैमिली मेंबर इलनेस सबसिक्वेंट चेंजेस इन द बॉडी इमेज डिपेंड ऑन फॉलोइंग।
मतलब इसमें क्या होता है कि जो इलनेस की वजह से पेशेंट की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से उनके उन उसका क्या रिएक्शन पड़ता है फैमिली एंड क्लाइंट पे, ठीक है, तो पेशेंट और फैमिली पे उस चेंजेस का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कुछ तो चेंज, मतलब कोई भी डिजीज हो उसकी वजह से कुछ तो चेंज आता ही है उसकी बॉडी इमेज पे। तो किस पे डिपेंड करता है कि जो क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि टाइप ऑफ चेंजेस, क्या चेंजेस हुआ है, देयर एडेप्टिव कैपेसिटी, ठीक है, थर्ड है रेट एट विच चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है, फोर्थ है सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल, क्या क्या सपोर्टिव सर्विस अवेलेबल है, द क्लाइंट रेस्पॉन्स टू इलनेस एज इन द वे ऑफ शॉक विथड्रॉल एक्सेप्टेंस एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि क्लाइंट क्लाइंट डिपेंड करता है इलनेस पे, ठीक है, कि भाई उसकी इलनेस इलनेस का क्या वे है, मतलब किस वे से वो उस इलनेस को डिपेंड एक्सेप्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है, जैसे कि शॉक, शॉक होगा या फिर विथड्रॉल हो सकता है या एक्सेप्टेंस हो सकती है या फिर वो डिजीज रिहेबिलिटेशन की कंडीशन में है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसको बॉडी इमेजेस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी अगर बॉडी इमेज कुछ चेंज हो जाए तो उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी इमेज थोड़ी भी चेंज होती है उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसको उस टाइम पे क्या होता है, क्लाइंट या फिर फैमिली को जो वो चेंज हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो रिहेबिलिटेशन है तो रिहेबिलिटेशन के दौरान भी पेशेंट जो होता है उसको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी सीखे कैसे रिहेबिलिटेट मतलब हो रहा है, मतलब कैसे वो अपनी लाइफ को बाद में एडजस्ट कर पाएगा उस बॉडी इमेज के साथ में। जैसे कि किसी पेशेंट को मतलब किसी का लिम्ब अगर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, अगर किसी का लिम्ब पैर किसी का काटना पड़ गया तो उस समय उसे प्रोस्थेटिक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोस्थेटिक के साथ में उसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे वो रिहेबिलिटेट करे, कैसे उससे मतलब उसके साथ चलना सीखे, उसकी लाइफ स्टाइल में कैसे चेंज आएगा, तो ये सब उसको सीखना है। तो ये सब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पे और फैमिली पे भी। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन इंडिविजुअल मेंटल इमेज ऑफ देम सेल्फ, लाइक हाउ दे व्यू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो इलनेस का पेशेंट और फैमिली की सेल्फ कॉन्सेप्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या मतलब है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, जो इंडिविजुअल है मतलब उसकी जो इंडिविजुअल की जो मेंटल इमेज क्या है खुद के प्रति, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब वो अपने आप को किस तरह की स्ट्रेंथ में देखता है, उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो जो उसकी और लाइफ मतलब जो उसकी पूरी लाइफ है उसके मतलब जितने भी एस्पेक्ट है उसकी लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट से वो अपनी लाइफ को देखता है तो उसमें उसको उसकी उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो ये सब होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उस इस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी इलनेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर उसकी इस सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर उसकी ये सेल्फ कॉन्सेप्ट अफेक्ट हो जाती है इलनेस के कारण, तो वो ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, ठीक है। तो वो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो उसकी फैमिली के साथ भी यही होता है, उसकी फैमिली के भी अगर कॉन्सेप्ट अगर अफेक्ट हो जाता है तो उस फैमिली में भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे एंगजाइटी डेवलप हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब डेवलप हो सकता है। तो एक नर्स होती है जो वो मतलब अच्छे से उस फैमिली उस
पर्सन को जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है और उनकी हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन के साथ में कैसे उनको एडजस्ट करना है। फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली डायनामिक्स। फैमिली डायनामिक्स इज ए प्रोसेस बाय विच ए फैमिली फंक्शन मेक डिसीजन गिव सपोर्ट टू एन इंडिविजुअल मेंबर एंड कोप्स विद द एवरीडे चेंजेस एंड चैलेंजेस। मतलब क्या होता है कि जो इलनेस है उसका फैमिली डायनामिक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि जो फैमिली डायनामिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि फैमिली के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या वो डिसीजन लेते हैं, कैसे वो इस इंडिविजुअल का सपोर्ट करते हैं, और मतलब जो इंडिविजुअल है वो जो मतलब पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है उनके घर में, कैसे वो अपने हर दिन की लाइफ को कैसे वो जी रहा है, ठीक है, तो उसके साथ में उन फैमिली मेंबर्स का क्या कोप है, मतलब कैसे एडजस्ट कर रहे हैं उसके साथ में, उसके चैलेंजेस है एवरीडे लाइफ के, उसके चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो उनके साथ में उनका कैसा क्या एडजस्टमेंट है, तो वो सब है फैमिली डायनामिक। तो इस फैमिली डायनामिक पे भी इलनेस का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो उसके बाद में क्या होता है कि नर्स होता है, वो नर्स का क्या इंटरवेंशन होता है इस कंडीशन में, कि नर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए उनको सपोर्ट करें, उनको समझाएं कि वो कैसे उस पेशेंट का साथ दे और कैसे उसके उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस। ये प्रोकेशन नहीं है, ये प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस है, ठीक है। तो एक हेल्थ केयर टीम जो होती है वो कैसे इलनेस से प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन कर सकती है, जो एक हेल्थ केयर टीम होती है वो उसका जो मेन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इलनेस से प्रिवेंशन करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना और हेल्थ को प्रमोशन करना। और मतलब जो किस कैसे कर सकती है, जैसे कि पब्लिक को अवेयर कर सकती है इलनेस से, इंजरी से, डिजीज से, ठीक है, इन सब से पब्लिक को अवेयर कर सकती है, ठीक है, और इलनेस से प्रिवेंशन कर सकती है, प्रोटेक्शन कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है हेल्थ का, ठीक है। और उसके साथ साथ एक नर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो ट्रांसमिशन डिजीज, जो ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं उनसे कैसे प्रिवेंशन किया जाए, ठीक है, और जो मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस है उनको कैसे मेंटेन किया जाए, ठीक है। और उसके बाद में एनकरेज टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में बाय वेल बैलेंस्ड डाइट। मतलब क्या होता है कि एक हेल्थ केयर वर्कर वो होता है जो इंडिविजुअल या फैमिली या कम्युनिटी को उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वेल बैलेंस्ड डाइट लेने के लिए कहे, ठीक है, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको इलनेस के लिए प्रोटेक्ट करें बाय टीचिंग, ठीक है, जो उसकी जैसे कि वो फिटनेस को एनहांस कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस के साथ कैसे मैनेज करें, ठीक है, तो ऐसे करके वो जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकती है। प्रमोट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इन पब्लिक बाय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, तो वो प्रॉपर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको फॉलो करे, ठीक है, उसको फॉलो करें जिसके कारण डिजीज से प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो पेशेंट और उसकी फैमिली को हेल्थी लाइफस्टाइल
जीने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि गुड ईटिंग हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइजेस, कंट्रोल द स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अवॉइड स्मोकिंग, ड्रग एब्यूजर्स या अवॉइड अल्कोहल ड्रिंक्स, ठीक है। और एक नर्स एक एडवोकेट की तरह भी काम करती है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो वो उस एडवोकेट की तरह उसको मतलब जो चेंजेस हैं कम्युनिटी में या फिर पर्सन में, उसको मैं हेल्थ के प्रमोशन के लिए जो हेल्थ पर हेल्थी जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, तो ये सब एजुकेशन उसको दे सकती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके अलावा एक नर्स पब्लिक को, पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है बाय गिविंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट एक्सीडेंट्स, पॉइजनिंग प्रिवेंशन, या फिर स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन, या फिर जो ईच स्टेजेस जो भी लाइफ की जो भी स्टेज हैं उनमें कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो, ठीक है। और जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं उनके प्रति कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, ठीक है, तो उन सब की एजुकेशन दे सकती है पर्संस को, ठीक है। तो इन सब की वजह से प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन हो सकता है इलनेस से। ओके, थैंक यू।